बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है और बनाने भी बहुत ही आसान है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। वो लोग बनाते हैं बोनलेस, मैं हड्डी के साथ बना रही हूँ। तो आप बगैर हड्डी की बना सकते हैं, फ्लेवर वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा बोनलेस को अवॉइड ही करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं बोन्स के साथ बना रही हूँ। और बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ मसाले दिए हैं। मैंने हाफ चिकन लिया है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। इसमें सूखा धनिया मैंने लिया है, लाल मिर्च ली है, नमक लिया है, कसूरी मेथी ली है, ये ज़ीरा लिया है और क्यूमन पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है और हल्दी। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो अदरक लहसुन लिया है, 3 से 4 चम्मच जो है वो दही है, चिकन है, 2 प्याज है बारीक चॉप किए हुए, 3 टमाटर है बारीक, स्किन हटा के मैंने इसको काटा है, और मैंने क्रीम लिया है। तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 4 to 5 टेबल स्पून, और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया रखा है। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें 2 बड़े टेबल स्पून जो है मैंने देसी घी के डाले हैं। देसी घी इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जितनी भी रेस्टोरेंट्स में कढ़ाइयाँ बनती है उसमें मक्खन और देसी घी का ज़रूर यूज़ होता है, और उससे फ्लेवर चेंज होता है, थोड़ा सा रिच फ्लेवर आता है। तो मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और उसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है। प्याज को मैं गोल्डन करूंगी क्योंकि जो इसका बेस बनेगा वो उसका कलर ही होगा। जितना आपकी प्याज का कलर अच्छा आएगा उतनी मज़ेदार आपकी हंडी भी बनेगी। आप चाहे तो, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप हंडी में बना सकते हैं। मिट्टी की जो हंडी होती है अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेशक आप वो यूज़ करें। जब ज़्यादा कढ़ाई हो तो फिर हंडी हो तो फिर मैं बड़ी में बनाती हूँ। इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ और इसको भी मैं इसके साथ ही कुक करूँगी ताकि ये इकट्ठे सारे फ्लेवर्स इसमें आए। तो ये कलर गोल्डन होने तक मैं इसको कुक करूँगी। आप चाहे तो आप इसमें बीच में नमक भी डाल सकते हैं। नमक से ये होता है कि आपका जो प्याज है वो एक जैसा इसमें कलर आ जाता है। ये मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाला है क्योंकि साइडों से जब हीट बहुत ज़्यादा गर्म हो ऑयल, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप होके प्याजों को जलाता है। तो आप कोशिश करें कि आप जब आपका प्याज अभी कच्चा है और ऑयल का टेम्परेचर हाई है तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालें ताकि वो बैलेंस हो जाए। टमाटर पे जो टमाटर है इसका स्किन मैंने हटाया है और बारीक चॉप किया है। प्याज मेरे हो चुके हैं कलर, और अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी और इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के इसमें ढक्कन रखूँगी ताकि ये बिल्कुल मैश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब मुझे मसाला भुनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आपका इसका हंडी का मसाला अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली फिर आपकी चिकन हंडी भी बहुत मज़े की बनेगी। टमाटर मेरे गल चुके हैं, इसमें मैं जो मसाले हैं अब मैं मसाले ऐड करूंगी। मसाले मैंने आपको बताया, गरम मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्च है, क्यूमन पाउडर है, कोरिएंडर है और नमक है। जो क्यूमन सीड्स है वो ज़ीरा की, जो साबित ज़ीरा होता है वो मैंने पहले से इसमें डाला हुआ है। मसालों को तो 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें अपना जो हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है तो इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, हंडी के पीसेस हमेशा छोटे ही होते हैं।
इसको मसाले में अच्छे तरीके से भून के इस पर ढक्कन रखेंगे ताकि ये जो चिकन अपना पानी छोड़े तो उसमें ये कुक हो जाए। दही मैंने घर का दही लिया है तो इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट के वो इसमें शामिल कर दिया है। चिकन अपना पानी ऑलरेडी छोड़ चुका है, अब जो दही है दही के पानी में ही ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। इस पर मैं ढक्कन रखूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद जो है इसको मैं बाकी चीज़ें जो है वो इसमें डालूँगी। 10 मिनट के बाद जो है दही का पानी अभी भी थोड़ा बहुत है इसमें, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे रखा था इसको ताकि मेरा चिकन जो है वो अंदर तक कुक हो जाए। मैं अमूमन चिकन को फ्राई करती हूँ या उसको प्याज के साथ ही डालती हूँ, लेकिन हंडी में जो है मसाला पहले भुना जाता है, इस वजह से मैंने इसको प्रॉपर टाइम दिया। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून है ये। इससे इसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो आप टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, इसको ब्लेंडर में डाल के स्मूथ सा पेस्ट बनाए वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। अब जो मेरा क्रीम है, क्रीम मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो आप बहुत ज़्यादा क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। मेरा हाफ चिकन है तो हाफ चिकन के हिसाब से 4-5 चम्मच जो है काफ़ी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें 1 पैकेट भी डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ पैकेट डाला है और जो बचा हुआ उसमें होता है क्रीम, तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के वो भी डाल दिया। अब इस पर मैं ढक्कन रखूँगी और ये जो क्रीम है, क्रीम का फ्लेवर इसमें आए इसीलिए इसको मैं तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से ढक्कन दूंगी। अब इसमें मैंने जो सब्ज़ मिर्चें हैं और इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया मैंने ऐड किया और इसको मैंने 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे ढक्कन में रखा और मेरी जो हंडी है वो ऑलमोस्ट तैयार है। जब ये ऑयल साइडों से छोड़े तो इसका मतलब ये है कि हमारी हंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं खूबसूरत सा शक्ल में मेरी चिकन हंडी आ चुकी है। मैं तो इसको कढ़ाई में ही सर्व करूंगी। आप चाहे तो आप किसी भी अपनी डिश में निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो आप जो छोटा वाला हंडी होती है मिट्टी की उसमें भी अब रख सकते हैं इसको। इसको थोड़ा सा गर्म करें और इसमें ये सर्व करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की चिकन हंडी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप डिफरेंट वैरायटी में चिकन हंडी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ किसी और तरीके से भी शेयर करूंगी चिकन हंडी की रेसिपी एक नई तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की चिकन हंडी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।